जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आज हम आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूँ। कुंडली में कुछ अशुभ योग जानकारी कहीं, आपके कुंडली में तो ऐसे योग नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चांडाल योग। गुरु के साथ राहु केतु हो तो जातक का चांडाल योग बनता है। इसके लक्षण क्या हैं? गुरुजनों का ना सम्मान करना, बुजुर्गों का ना सम्मान करना, मोटापा पन हो जाना, ऐसे इसके लक्षण आप जान सकते हैं। सूर्य ग्रहण योग, सूर्य के साथ राहु केतु हो तो जातक की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नेत्र रोग हो जाता है और हृदय रोग हो जाता है और पित्ताशय नहीं बनती है। चंद्र ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ राहु केतु होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग होता है, माता से नहीं बनती और मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। यदि शनि के साथ ताव हो तो दालिद्र योग बनता है। सूर्य के साथ मंगल की युति हो तो अंगारक योग से पीड़ित हो जाता है व्यक्ति। अंगारक योग, मंगल राहु केतु के विराजमान हो तो जातक अंगारक योग से पीड़ित हो जाता है। यह योग आपके कुंडली में यदि बनते हैं तो आप निश्चय ही असफल हो जाते हैं। आप अपने कार्य से, सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो जातक को अमावस्या दोष लगती है, शनि के साथ बुध हो तो प्रेत दोष बन जाता है, जिस कारण से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच से भी पीड़ित होने लग जाता है। शनि के साथ केतु हो तो पिशाच योग होता है। चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह ना हो एवं आगे पीछे भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो, ताकि किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्र पर हो तो ऐसे योग चंद्रमा आपको नुकसान देता है। शनि चंद्रमा विष योग शांति, शनि के साथ चंद्रमा हो तो विष योग बन जाता है। एक नक्षत्र के जन्म के समय दो दो नक्षत्रों तो घर में हो तो किसी दो व्यक्ति की हो तो नक्षत्र की शांति कराएं। ऐसे योग यदि आपके कुंडली में बनते हैं तो इन योगों का विशेष ध्यान दें। इसीलिए प्रिय दोस्तों, प्रिय मेरे भाइयों, बड़े भाइयों, आप लोगों को यह मैं बता रहा हूँ। अमावस्या में जन्म जिसका होता है कृष्ण चतुर्थी या प्रतिपदा युक्त अमावस्या में जन्म होता है तो भी शांति कराएं। ऐसे यदि योग बनते हैं तो हमें कोई भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। हम हर कार्य को करते करते लगे रह जाते हैं और हम नीचे की ओर चले आते हैं। हम आप लोगों को 27 योग और 27 28 योग और 27 नक्षत्र, कौन सा योग कहाँ पर खराब होता है, कौन सा योग खराब है और कौन सा नक्षत्र किस चरण में खराब होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र पहला चरण अशुभ होता है, भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण अशुभ होता है, कृतिका नक्षत्र का तीसरा चरण अशुभ होता है, रोहिणी नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण अशुभ होता है, और अद्रा नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र का दूसरा और तीसरा चरण अशुभ होता है। इसी तरह सभी नक्षत्रों का आप स्क्रीन पर देखें और आपको जानकारी हो जाएगी कौन सा नक्षत्र कहाँ पर खराब होता है और किस चरण में खराब होता है, यह आप लोग जान सकते हैं और इनका आप उपाय कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आप लोग जैसे कि कोई भी ऐसे यदि योग बनते हैं तो इनका शांति जरूर कराएं, इसका जरूर उपाय करें। दूसरी बात, आप लोगों से मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि आजकल लोग रत्न बिना सलाह और बिना जानकारी के धारण कर लेते हैं, लोग अपनी राशि के नाम से रत्न धारण कर लेते हैं। यदि आप किसी को कुंडली दिखा कर रत्न धारण करेंगे तो आप हमेशा जीवन में सुखमय रहेंगे और सुखमय व्यतीत करेंगे। जो हमारे ज्योतिष के विद्वान हैं, आप उनसे जरूर एक बार अपनी कुंडली की जानकारी लें, इसके बाद रत्न धारण करें। कुछ लोग कहते हैं, मैं अपनी राशि का रत्न धारण किया हूँ, मुझे शुभ फल क्यों नहीं प्राप्त होता है, मेरा अशुभ क्यों होता है। इसलिए अशुभ होता है कि आप कुंडली में हो सकता है वह ग्रह, वह राशि खराब स्थान पर हो या खराब ग्रह।